नमस्ते दोस्तों, मुझसे बहुत बार लोग मिलते हैं और पूछते हैं कि सर हमारा लैपटॉप हमारा कंप्यूटर बहुत स्लो चलता है, हमने उसमें रैम बढ़वा दिया तब भी हमको वो संतुष्टि मिल नहीं पाती है, क्या हमें सजेस्ट करते हैं कि हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर की स्पीड कैसे बढ़ेगी। दोस्तों तो बहुत बार मैं लोगों से कहता हूँ कि सर अपने लैपटॉप में अपने कंप्यूटर के अंदर आप साटा SSD लगवा दीजिए, आपके लैपटॉप की कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि मैंने खुद लगा रखा अपने लैपटॉप के अंदर SSD मतलब HDD निकलवा करके, तो ये हुआ। लेकिन उसी लोगों में से एक आदमी ने मुझसे सवाल पूछ लिया कि सर आपके कहने पे मैं तो ये SSD लगवा लेता हूँ, ये साटा SSD, लेकिन इसका लाइफ कितना होता है, कितने साल चलता है, ये 1 साल चलता है, 2 साल चलता है। तो दोस्तों आज वीडियो में बताएंगे आपको कि SSD की लाइफ कितनी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। देखते होंगे मार्केट के अंदर किसी SSD का प्राइस जो है 1800 रुपये होता है 120 GB का, किसी SSD का प्राइस जो है 2000 होता है, किसी का 2400 होता है। क्यों अंतर होता है प्राइस? क्योंकि SSD सब है, कंपनी का नाम फर्क होता है, कोई ना कोई कारण इसी पे जरूर होता होगा। तो वही कारण जानने के लिए वीडियो को लास्ट बने रहिए, आपको पक्का एक अच्छा इन्फॉर्मेशन देकर जाऊंगा जो आपके काम आएगा। उसके पहले कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, चैनल पहली बार प्रीमियम चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जब भी कोई नया वीडियो बनेगा ना तो आपके पहुंच जाएगा। और मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी हूँ, मेरा ID है जोगेंद्र ज्ञान, मुझे फॉलो कर लीजिए। कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड कोई सवाल मन में है पूछिए, मैं हमेशा प्रयास करता हूँ आपके सवाल का जवाब दूँ और आपको मैं सेटिस्फाइड कर। दोस्तों चलिए देखिए, दोस्तों इसका प्राइस हमेशा डिफरेंस मिलता है मेरे पास। देखिए दो कंपनी का ये डब्बा है, एक है PNB का और एक है कलरफुल का। ये अगर 120 GB लेने जाएंगे ना तो आपको लगभग एक कंपनी का मिल जाएगा 1800 रुपये का SSD और एक का मिल जाएगा लगभग 2000 रुपये का। तो मैं भी पहले जानता नहीं था कि क्यों यार ये कम आता है, तो बहुत पढ़ने के बाद मुझे मालूम पड़ा है कि इसकी लाइफ होती है SSD की। मान लीजिए कि 120 GB का ये SSD है, ये 128 GB का ये SSD आपका है और इसको लेकर आया हूँ, तो इसकी लाइफ होती है, देखो कंपनी ने वारंटी तो 2 साल दिया हुआ है, लेकिन जो भी SSD मार्केट के अंदर है, क्योंकि हम सब जानते हैं ये फ्लैश ड्राइव है, ये मैकेनिकल नहीं है, मतलब मैग्नेट से भी ये जो है इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि जो पुराना वाला हार्ड डिस्क आता था ना उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाए, मतलब मैग्नेट लगा दीजिए तो आपका डेटा चला जाता था, बहुत आवाज़ भी करता था, वो HDD जो होता है वोल्टेज मतलब कि आपका बिजली भी ज़्यादा खाता था, उसके वजह से आपके लैपटॉप के अंदर बैटरी बैकअप कम मिलता था। लेकिन ये जो आता है ना, ये 3 वाट 4 वाट के ऊपर ऐसे ही चल जाता, मतलब वोल्टेज कम लेता है, पहला चीज़ तो है। और आपके जो पुराने वाले ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क थे ना, ये 10 गुना स्पीड ज़्यादा देता है, ठीक है। तो अब बताता हूँ मैं करके, मान लीजिए 128 GB का ये SSD है, तो आपको चेक करना है इसका लाइफ क्या है ना। तो इस मॉडल के साथ में आप जैसे कलरफुल मॉडल ये कंपनी है, इसको जाके इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करेंगे जा करके कि इस मॉडल का नंबर TBW, ठीक है, नोट कर लीजिए, टेराबाइट राइटिंग, मतलब इसके ऊपर कितना बार डेटा को राइट कर सकते हैं। CD होता है ना, CD के ऊपर 700 MB राइट कर सकते हैं, फिर उसके बाद CD खराब हो जाता है, तो इसी प्रकार से इसका भी एक TBW होता है हर SSD का। तो TBW चेक करने के लिए आपको इसके ऊपर चेक कर सकते या दुकानदार से पूछ सकते हैं इसका TBW क्या है। लेकिन बहुत सारे दुकानदार तो बेचते हैं, उनको मालूम होता नहीं है कि TBW क्या होता है, और बहुत सारी कंपनियां इंटरनेट पर डालती भी नहीं इनका TBW, क्योंकि इंटरनेट पर डाल देंगी तो आपको मालूम हो जाएगा कि यार इसका लाइफ कम है। देखिए 128 GB का SSD है, तो मान लीजिए इसका जो है 128 GB का है, तो 1000 TB इसका आपका TBW होगा। अगर 1000 TB इसका मतलब कि इस हार्ड डिस्क के ऊपर आप 1000 TB तक डेटा को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, क्लियर समझ में आपको, मतलब 128 GB का है ये। तो मान लीजिए कि मैं बोल देता हूँ कि इसका TB जो है एग्जांपल के तौर पे 2000 TB है, तो 2000 TBW अगर है इसका, तो मतलब 2000 बार 2000 डेटा तक उसको रीड और राइट कर, मान लीजिए कि आपने इस पर कुछ किया काम किया, 1 GB का काम कर लिया, 1 GB का काम किया, उसके बाद जो है उस डेटा को आपने रीड कर दिया, तो 1 GB आपने राइट किया एक जगह, वो हो गया, और एक जगह आपने रीड किया तो 2 GB हो गया, क्लियर है ना। तो इतना जल्दी तो नहीं करते कोई आदमी काम करता, 500 MB आप काम करते हैं, आप मान के 100 MB काम करते हैं, वर्ड एक्सेल फाइल काम करते हैं तो KB में आता है, तो उसको राइट करेंगे। तो मतलब कि इसका TBW अगर 2000 है, तो इसको कंपनी कहती है कि ये भैया 2000 तक जो है रीड राइट होगा, इसके TBW जो है इतना है, तो क्लियर है, समझ रहे हैं बात को। देखिए समझना पड़ेगा दिमाग लगाकर ये सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए आपको जब मार्केट में जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं यार सस्ता वाला SSD ले लेते हैं, तो आपका फिर लाइफ उस SSD का बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो आप जब भी दुकानदार से पूछिए, चाहे आप 120 GB लीजिए SSD लीजिए, या आप 50 GB लीजिए, 500 लीजिए, 1 TB, जितना लेना आपको है, चेक करके आप सिंपल तरीके से वो उसको आप चेक कर सकते हैं इसका TBW क्या चाहिए। देखिए आपके लैपटॉप में लगा हुआ, मान लीजिए पहले से ही आपके लैपटॉप में या SSD लगा हुआ, इसको चेक करने के सिंपल तरीके से नोट कर भी दिखाऊंगा आपको मैं, गूगल पे जाइएगा आप, सिंपल तरीके से गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद में यहाँ लिख दीजिए, तो सिंपल तरीके से आप गूगल खोल लीजिए, गूगल पे खोलेंगे यहाँ लिखेंगे
क्रिस्टल CRYSTAL क्रिस्टल DISK डिस्क इन्फो, ठीक है नोट कर लीजिए इसको, क्रिस्टल डिस्क इन्फो लिखेंगे, आपके लैपटॉप में कौन सा हार्ड डिस्क लगा हुआ कितना GB का है इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इंटरनेट स्लो है और यही कमांड आपको लिखना है, नोट कर लीजिए क्रिस्टल डिस्क इन्फो, और इसको लोड करने के बाद में इसी को अपलोड कर लीजिएगा और उसके बाद आप चेक कर सकते। खुल गया भाई देखो, फिर खुला उसे दोबारा इसको हम क्लिक कर लेते हैं और इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा आपके कंप्यूटर के अंदर, लिखा है डाउनलोड ये, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर है, मुझे लगता है आपको आता होगा। चलिए तो देखिए, मैंने पता करने के लिए अपने लैपटॉप में ये सॉफ्टवेयर लोड कर लिया है, क्रिस्टल डिस्क इन्फो दिख रहा है आपको ना, ये लोड करने में बता रहा है ये कि इसमें सैंडिस्क का लगा हुआ SSD 120 GB का और इसके अंदर ये गुड कंडीशन के अंदर है। ये हो गया फर्मवेयर क्या दिया हुआ आपका, कितने GB का, मतलब सारी डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या ट्रांसफर डेटा ट्रांसफर स्पीड 600 इसका है, पावर कितना है, सारी चीज़ें और यहाँ पर देख सकते हैं। और एक चीज़ और नोट कर लीजिए, देखिए ये जो दिख रहा है आपको ना, ये अगर पूरा ग्रीन अगर रेड रह जान लीजिए तो आपकी हार्ड डिस्क में कुछ दिक्कत हो सकता है, इसलिए ये रेड नहीं होना चाहिए, आपका ब्लू ब्लू करके पूरा पूरा दिया, मतलब कंडीशन में है। और हेल्थ स्टेटस ये बता रहा है कि 97% आपकी हार्ड डिस्क की हेल्थ स्टेटस है, क्लियर है एकदम, है ना। तो इस सॉफ्टवेयर को आप गूगल से डाउनलोड कर लें, सिंपल तरीके से डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ से आप पता कर सकते हैं आपके लैपटॉप में कौन सा या कंप्यूटर में कौन सा SSD लगा है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना, तो आप लोड कर लेंगे ये सॉफ्टवेयर तो आप चेक कर सकते हैं आपके हार्ड डिस्क की TBD कितनी, मतलब ये कितना है टोटल GB रिटर्न, ठीक है बता रहा है 253, मतलब कि 253 TB तक इसको रीड और राइट करते, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, लग जाएगा कम से कम 5-6 साल। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि ये क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए TBW इसको आप चेक कर सकते हैं, ये है, तो आपको पता जब करना होगा ना, और आपके कहीं ना कहीं ये काम है। दोस्तों वीडियो पसंद आपको आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताए आपके लिए क्या अच्छा वीडियो बना सकते। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे किसी एपिसोड में किसी लगे टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों।